दर्द नहीं लग रहा डॉक्टर साहब? बेटा डरियो मत, नहीं बेटा चिल्ला डर रहे बेटा, तो क्या पकड़ोगे? अरे डरो मत, बेटियां भी बहादुर होती है लेकिन हमारी कमी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल संजय के सर्फ मित्र पे। अभी मेरे पास एक रेस्क्यू कॉल आया था, मैं फाइनल स्थान पे आ चुका जहाँ से मुझे फोन किया गया था। फोन आप किए थे ना भैया? जी जी। अपना नाम और पता बताएंगे? डॉक्टर दशरथ यादव, डिस्ट्रिक्ट जौनपुर जी। ये हमारे घर से करीब 8-9 किलोमीटर दूरी पे हैं। नहीं, हमारे कैमरा मैन इधर रहेंगे। चलिए चलिए, आप थोड़ा लकड़ी हटवा दीजिए बस। आप डरिए मत, हटवाइए थोड़ा सा। यही वाला था, हमें पहले मालूम था रेड स्नेक होगा, जिस तरह आप लोग बता रहे थे भाग रहा है। यही था ना? जोड़ी जो कोबरा पकड़े थे उसी का ये काटने वाला सर्फ नहीं, इससे मत डरिए। ये थोड़ा छांव में आते हैं। माता जी डरिए, नहीं नहीं काटने वाला सर्फ नहीं है, ये सांप नहीं काटता। तो माता जी, ये काटने वाला सर्फ नहीं है? नहीं, ये सांप किसी को काटता नहीं पहली बार, और काट ले तो जहरीला भी नहीं है। इसे ये काटता नहीं बेटा, पहले किसने देखा था इसको? इससे डरते बेटा? और आज हम तुम्हारे हाथ में दे देंगे, पूरी गारंटी नहीं काटेगा डॉक्टर साहब, आप इसको पकड़िए। हमारा मकसद है साथियों को सांपों के प्रति जो डर फैला है, अंधविश्वास, ये बेचारा नॉन बेनमेंट बिना जहर वाला, इसलिए इसको हम बहुत ही प्यार से किसान मित्र कहते हैं। किसान मित्र इसलिए कहा जाता है इसको, चूहा खाता है। अगर चूहे ज्यादा हो जाएंगे तो हमारी फसल को नष्ट कर देंगे, तो फसल को नष्ट होने से यह बचाता है। ये 6-7 चूहे को रोज खा के खत्म करता है, इसलिए यह किसान मित्र कहा जाता है। तो आप साफ पकड़ लीजिए, गारंटी नहीं काटेगा। कहीं से पकड़ लीजिए, नहीं काटेगा। आप कहीं से पकड़ लीजिए, देखिए उनका डर खत्म हो गया। कहीं से कहीं तक बाइट करने की कोशिश कर रहा, आप एक हाथ से यहाँ पकड़ लीजिए, नहीं काटेगा डॉक्टर साहब, नहीं काटेगा। आप देख रहे हैं इसके मुंह के पास घूमेगा तो डरिएगा नहीं, काटेगा नहीं, पूरी गारंटी नहीं काटेगा। देख रहे हैं, देखिए डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया है। दर्द नहीं लग रहा डॉक्टर साहब? विश्वास है ना हम पे? चलिए, हमारा मकसद यही है, लोगों के अंदर से जो डर है उसको निकालना। तो यह काटता नहीं जल्दी किसी को, अगर गलती से कभी गुस्से में काट लिया तो जहरीला भी नहीं होता, ऐसा सांप किसी को काट ले तो। झाड़ फूक वाले क्या करते हैं, जिस दिन हमें बिना जहर वाला सांप काटता है उस दिन बचा लेते हैं। ये है उस दिन जो था, ये नहीं। थोड़ा सा रुक जाइए, आप लोग शांति से सुनिए, थोड़ा शांति से सुनिए। जिस दिन हमें बिना जहर वाला सांप जैसा ऐसा काट लिया, गढ़ा काट लिया या कोमल उत्पीड़न, बिना जहर वाला कोई भी सांप हमें काटता तो झाड़ फूक वाला क्या करता है, बचा लेता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर जहर होता नहीं है। जिस दिन जहरीला सांप काटता है तो वह यही कहेगा कि भाई सुहाने इनकी आ चुकी थी, और उसी के समर्थन में लोग उधर भी जाते हैं, लोग सपोर्ट करते हैं इसका, कहते भाई हमारे गांव में सांप काटा था, हमारे सामने काटा था, लेके आ गए थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन सांप काटा है, यही जानकारी नहीं होती है, इसलिए उनका सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए कहते हैं झाड़ फूक के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, किसी को सर दर्द होता है तो डायरेक्ट हॉस्पिटल जाए। मात्र एक ही इलाज है एंटीवेनम, जहाँ विष वाला जहर और ऐसा इलाज होता है, अक्सर होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर, तो वहीं जाना चाहिए। अपने डिस्ट्रिक्ट जौनपुर के अंदर एक BS उपाध्याय आशा दीप हॉस्पिटल है, वहाँ पे बेटर इलाज होता है, लेकिन वहाँ पैसा लगता है। तो वहाँ जाने में पूरी गारंटी है, जान बची जाती है अक्सर, अगर समय पर आप पहुँच जाएंगे, विलम्ब नहीं करेंगे तो। और पता लगा आपने यही समय गंवा दिया तो मुश्किल हो जाता है। हाँ, यही धामिन है, इसी को हिंदी में धामन, इंग्लिश में रेड स्नेक, और गांवी भाषा में से घोड़ा पछाड़ घोड़ करे, यही सब नामों से जाना जाता है। तो बिल्कुल भी जहरीला नहीं था, आपने देखा है कि डॉक्टर साहब पकड़े थे अभी, डॉक्टर साहब फिर पकड़े, दिखा दो जनता को, यहाँ से पकड़िए आप, डरिए मत, यहाँ से पकड़ लीजिए, यहाँ से आप पकड़िए, डरिए मत, यहाँ से आप पकड़िए, कहीं से भी पकड़िए, आपके पास जाकर काटेगा नहीं, देख रहे काट रहा नहीं काट रहा,
और कुछ लोग ये भी कहते हैं जीभ से फाड़ता है, देखिए हमारे हाथ के ऊपर कैमरा मैन जरा नजदीक से दिखाइए जीभ हमारे हाथ से निकालना, कहीं जीभ से इसमें जख्म बन रहा है नहीं बन रहा है। देखिए डॉक्टर साहब के बच्चे डर रहे हैं, सोच रहे हमारे पापा को काट लेगा। बेटा हम हमें विश्वास रहता है, हमें पूरी जानकारी रहती है, तभी हम किसी को उसमें कूदने देते हैं, नहीं तो हम किसी को जहरीला सांप नहीं पकड़ने देंगे। देख रहे कहीं से कहीं तक काट रहा है डॉक्टर साहब, डर रहे हैं अभी उनका डर लग रहा है ना। चलिए कोई डब्बा दीजिए, इसको हम पैक करते हैं। तो सांपों को आज के बाद नहीं मारेंगे सांपों को ना सर, मारने भी मत देना अपने सामने किसी को क्या, क्योंकि अगर मर जाएंगे तो चूहों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी सांप काट लेता है लोग डर के मारे हार्ट अटैक से मर जाते हैं। नहीं कोई मरेगा नहीं, हार्ट जिसका कमजोर होगा वही मरेगा, हर कोई हार्ट से नहीं मरता, जिसका हार्ट बहुत ही कमजोर होता है। हमने खास करके देखा जो हमारे माता है बहने हैं इनको अगर छू के चला जाता पैर के ऊपर से तो उन्हें चक्कर आने लगता है। नहीं तो इसीलिए कहता ना कि जानकारी रखो, जानकारी कैसे रखेंगे जब तक आप लोग वीडियो को बारीकी से नहीं देखेंगे। और जितने भी सोशल मीडिया व्यक्ति हमारी तरह कई लोग हैं जो कि दिखाते हैं सच्चाई, आप लोग हकीकत को जानिए। चलिए अच्छी बात है, तो आपके प्रति जानकारी होनी चाहिए। इधर आ जाइए सर जी, अच्छा हमें चलिए कोई डब्बा दीजिए इसको हम पैक कर देते हैं पहले। लेकिन इसका जोड़ी पकड़ना चाहते बेटा, पकड़ लो पकड़ लो, हाँ हाँ पकड़ लो बेटा। देखिए बच्चे हिम्मत कर रही है, बेटा है या बेटी भेदभाव नहीं होना चाहिए और सबको सम्मान देना चाहिए। पकड़ लो बेटा, डरिए मत बेटा, नहीं बेटा चिल्ला डर रहे बेटा तो क्या पकड़ोगे, डरो मत। बेटियां भी बहादुर होती है लेकिन हमारी कमी है कि इन्हें चार दीवारी के अंदर कैद करके रखा जाता है, इनके सीमा बना दी जाती है, इसलिए बेटियां ज्यादा करके डरती भी हैं। और बेटियों के अंदर भी जी रहा है, जिस तरह हमारे अंदर दिल और दिमाग है उसी तरह इनके अंदर है। इनको डराइए नहीं, इनको बराबर का सम्मान दीजिए, इनकी इज्जत करिए। नहीं हम भी सांप मारने नहीं देते। अच्छी बात है, कुछ लोग बहन बेटियों को बहुत दबा के रखते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ हर बेटियों से ये अपील करता हूँ, हाँ बेटियों को अपने ही दायरे में रहना चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत को बचा के चलना चाहिए। चलिए इसको हम पैक करते हैं, कोई डब्बा नहीं मिला बेटा, कोई पकड़ है डरेगा नहीं। देखिए बच्चा डर नहीं रहा, पकड़ लिया, हाँ ज्यादा खिलौना बना लिया बेटा, छोड़ दो आप, छोड़ दो बेटा इसको पैक कर देते हैं। इधर से पकड़ लो, पकड़ने तो नहीं काटेगा, जब हम कह देने का पकड़ लो नहीं काटेगा बेटा, इसे पकड़ लो नहीं काटेगा। लो फिर से लो, देखिए यह बच्चा पकड़ खेलने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसको सांपों से थोड़ा दूरी रखना क्योंकि जहरीला सांप ना छू सके। ये आप लोग बच्चों को ज्यादा डराना नहीं चाहिए, अपने हिम्मत ही भी ना बनाए कि हम कुएं के अंदर कूद जाए। लाओ डॉक्टर साहब पैक कर दो अपने हाथे तुम, अरे पैक कर दो आप आराम से, आएगा तो आप उसका पड़ जाए अंदर कर देना ना, डरिए मत। हमारा साथी हमारा मकसद है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैले, सांपों के ऊपर जो अंधविश्वास फैलाएगा वह दूर हो जाए। माता जी झाड़फूक के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे आज के बाद आप लोग, ना नहीं पड़ना चाहिए। इधर खड़े रहो बेटा, बोलता ही नहीं बच्चा, बहुत ज्यादा ना हो मम्मी पापा भी बस मम्मा का क्या देखिए बच्चा अपनी मम्मी के पास ले जा लाइए, बच्चा काफी साहसी होगा, हम कहते हैं इसी तरह हर बच्चे को बहादुर होना चाहिए। चलिए लाइए बेटा, अब इसको मत खेलिए, ले जाएंगे खिलौना समझ बैठा बच्चा। चलिए नेक्स्ट मिलता किसी वीडियो में किसी जीव जंतु को बचाते, तब तक खाद्य सबका धन्यवाद देता हूँ, अपने यूट्यूब फैमिली का, इस गाँव वालों का भी, सबका बड़ों को पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और बच्चों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो माता जी सबसे पहले आप हमें आशीर्वाद दीजिए, डरिए मत, आपको नहीं कटवाएंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा, शायद कुछ दिन जिंदा रहेगा, सेवा कर लो लोगों की। चलिए नेक्स्ट मिलता है किसी वीडियो में किसी जी जल बचा, तब तक जय हिंद जय भारत।